हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। चलिए फ्रेंड्स, आज एक जैकेट बनाने जा रही हूँ, जिसे जो है ये मैंने दो कलर इसमें लिए हैं। आप कोई भी अगर दो कलर से बनाना चाहते हैं इस जैकेट को, तो आप कोई भी दो कलर ले लीजिए। ये मैंने दो कलर लिए हैं, वाइट है और ये वाला जो है डार्क जो है येलो कलर भी इसे कह सकती हैं, लेकिन जो है तीन शेड है इसमें, ब्राउन और ऑरेंज है और लाइट जो है लाइट ऑरेंज है। तो इस तरह का कलर है, कोई भी आप कलर ले लीजिए। तो इसको बनाने के लिए देखिए, यहाँ पे मैंने दो कलर लिए हैं, 10 नंबर की सिलाई इसमें जो है मैं यूज कर रही हूँ। तो बैक साइड का पोर्शन मैंने बना लिया है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाया है, कितने उसमें फंदे मैंने बनाए हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, फिर जो है फ्रंट साइड का पोर्शन जब बनाऊंगी, फिर उसके बाद आपको सारा स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। देखिए यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे नीचे से 70 स्टिचेस लिए हैं, 70 फंदे लिए हैं मैंने यहाँ पे। ऊपर जाकर के इसको यहाँ से जब स्टार्ट किया है, तो एक सीधी सिलाई मैंने वाइट से डाली है, उसमें जो है मैंने 6 फंदे जो हैं बढ़ाए हैं, मतलब कि 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से। तो 6 फंदे हमने यहाँ पे बढ़ाने हैं, मतलब कि हमारे पास जो है 76 फंदे हो गए। 76 फंदों को लेकर ये मैंने छोटा सा डिज़ाइन बनाया है, बारीक बहुत जो है छोटा छोटा सा डिज़ाइन है। इसको लेके यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने जो है लगभग यहाँ से लेके नीचे से लेके और जो है आर्म होल की कटिंग तक मैंने इसको 11 इंच के करीब जो है बनाया है। 2 साल के बच्चे की जैकेट है, आराम से उसे 3 साल तक आएगी। तो इतना हमने जो है, थोड़ी सी मैंने लंबी बनाई है ताकि बच्चा जो है 1 साल और पहन सके। तो इसके ऊपर जो है मैंने आर्म होल की कटिंग की है 3-2-1 की, कैसे की है वो मैं आपको आगे वाले हिस्से में बता दूंगी। अब इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 5 इंच के करीब जो है इसकी लंबाई मैंने बनाई है, ऊपर जाके इसको यहाँ तक जो है इसको बनाया है। तो ये हो गया हमारा बैक साइड का पोर्शन। अब हमने फ्रंट साइड का पोर्शन बनाना है। देखिए इसमें जो है फंदे कितने लेने हैं, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। इसमें जो है बैक साइड के पोर्शन में हमने 70 स्टिचेस लिए हैं, यहाँ पे हमने 17 स्टिचेस का हाफ लेना है, मतलब कि हमने 35 स्टिचेस लेने हैं। 35 प्लस हमने 6 फंदे जो है मैंने बटन पट्टी के लिए हैं, 35 और 6 फंदे हमने जो है बटन पट्टी के लिए हैं। तो टोटल मेरे पास जो है 41 स्टिचेस होंगे। देखिए यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ये एक फंदा है। तो टोटल मिला के मेरे पास प्लस बटन पट्टी के 6 फंदे, 35 मेरे पास जो है यहाँ पे बैक साइड का हाफ हो गया 35। तो इतने फंदे मैंने लेने हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले बॉर्डर बनाऊंगी, क्योंकि बटन पट्टी का बॉर्डर भी साथ में बनता हुआ चलेगा। तो इस तरीके से जो है, देखिए यहाँ पे, तो ये जो हिस्सा है वो हमारा एक साइड का होगा और दूसरी साइड का हिस्सा भी हमने सेम बनाना है। पहले इसका बॉर्डर बना लेती हूँ। क्योंकि बटन पट्टी भी हमारी साथ बनेगी बॉर्डर तक, उसके ऊपर जो है बटन पट्टी में वाइट से बनाऊंगी और बाकी सारा पोर्शन जो है दो कलर से बनाऊंगी। इस तरह से मैंने जो है ये बॉर्डर अपना पूरा करना है, लगभग 1.5 से 2 इंच के करीब जो है इस बॉर्डर को पूरा कर लेती हूँ पहले। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इतना बॉर्डर बना लिया है। आप इससे चौड़ा बॉर्डर भी बना सकते हैं, आप इससे कम बॉर्डर भी बना सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम। सबसे पहले हमने ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरह से हम अपना फ्रंट पार्ट जो है इस तरह से रखेंगे, देखिए। और यहाँ पे जो है ये वाला हिस्सा हमारा इस साइड का आएगा और दूसरा हमारा दूसरी साइड का आएगा। देखिए ये वाला इस साइड का, ये सीधी साइड है और ये इस साइड का आएगा, देखिए। और दूसरा हमारा इस साइड में आएगा हिस्सा। तो यहाँ पे हमने बटन पट्टी जो है बनानी है, बटन पट्टी हमने 6 फंदों से बनानी है।
तो 6 फंदे जो हैं हमारे बॉर्डर के आएंगे इस तरह से। देखिए 2, 4, 6 फंदे हमने बॉर्डर के बना लिए। अब हम यहां से अपना जो है स्टार्ट करेंगे डिजाइन। डिजाइन हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमने एक सीधी सिलाई बनानी है, उसमें हमने फंदे बढ़ाने हैं। 3 फंदे हम बढ़ाएंगे यहाँ पे, ज्यादा फंदे नहीं बढ़ाएंगे। एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लेंगे, एक और दूसरा फंदा हम सेंटर में बढ़ाएंगे, तीसरा लास्ट में बढ़ाएंगे। तो 3 ही फंदे हम इसमें बढ़ाएंगे। इस तरह से अब देखिए यहाँ पे मुझसे एक गलती हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे हमारी उल्टी साइड है तो हमने उल्टे उल्टे फंदे बनाने हैं, लेकिन मैंने सीधे बना दिए थे। लेकिन यहाँ पे हम जो है इस तरह से 6 फंदे हम बनाएंगे, क्योंकि बटन पट्टी हमारी इस तरफ आएगी और उल्टी साइड है, उल्टी साइड में हम पूरी सिलाई को उल्टा बनाएंगे और यहाँ पे अपने फंदे बढ़ा लेंगे। देखिए फंदे कैसे बढ़ाने हैं, एक बार इस फंदे को बुना और इसको इस तरह से पलट लेंगे, दूसरी बार फिर से उसी फंदे को हम इस तरह से बुन लेंगे। तो ऐसे करते हुए हमने 3 फंदे बढ़ाने हैं। एक फंदा हमारा हो गया, अब 2 फंदे हमारे बचे हैं, तो 2 फंदों को हम इस तरह से देखिए कैसे बढ़ाएंगे। एक फंदा हम सेंटर में बढ़ा लेंगे और एक फंदा हम लास्ट में बढ़ा लेंगे। छोटा सा स्वेटर है इसलिए हमने फंदे को ज्यादा फंदे नहीं मैंने बनाए हैं। इस तरह से पकड़ेंगे, दूसरा फंदा हम ऐसे बना लेंगे। 2 फंदे हमारे हो गए, अब तीसरा फंदा हम जो है लास्ट में बढ़ा लेंगे, क्योंकि उल्टी साइड से हमारी जो है ये पूरी रो उल्टी आएगी। एक फंदा हम यहाँ पे बढ़ा लेते हैं, तो 3 फंदे हमने बढ़ा लिए। अब इसके बाद जो है सीधी साइड से हमने दूसरा कलर जो है अपना ज्वाइंट करना है। देखिए ये हो गया हमारा, यहां तक हमने फंदे बढ़ाने का प्रोसेस भी पूरा कर लिया। 6 फंदे बटन पट्टी के छोड़ के बाकी फंदों में हमने फंदे बढ़ाने हैं। अब यहां से ये वाला जो कलर है वो लेंगे, देखिए इस तरह से। इसके बाद हम जो है इस कलर से बनाएंगे। तो अब क्या होगा, हमारा व्हाइट जो है इस साइड में छूट गया है। अब दूसरी साइड जो बटन पट्टी के फंदे हैं वहां पे हमें एक और जो है धागा लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो है पट्टी व्हाइट की बनानी है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ ये पूरी सिलाई बना करके। जो बटन पट्टी के फंदे हैं उन्हें हम व्हाइट बनाएंगे, लेकिन हमें दूसरा धागा जो है वो लगाना पड़ेगा यहाँ पे। 2, 4, 6 देखिए 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। अब देखिए दूसरा धागा हमने ऐड करना है यहाँ पे, ये दूसरा वाइट है वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे इस तरीके से। और जो बटन पट्टी के फंदे हैं उनको हम इस तरह से वाइट में बनाएंगे इस तरीके से। देखिए ये बॉर्डर की भट्टी हमारी जो है ऊपर चलती रहेगी, जैसे हमने बॉर्डर बनाया है ये पट्टी सेम उसी तरीके से हमारी ऊपर चलेगी ऐसे। ये हो गया हमारा यहाँ से स्टार्ट। अब उल्टी सिलाई जो है
बॉर्डर पट्टी के फंदों को हम उसी तरीके से बुनेंगे जैसे हमने बॉर्डर बनाया है, और बाकी जो फंदे हैं वो मैंने बनाए हैं सीधे सीधे। चार सिलाइयां जो है इस कलर की बना लेती हूँ। ऊपर जो है वाइट जो है जब ऐड करेंगे, देखिए अब हम जो है इसे कैसे बनाएंगे, इसको ज्वाइंट कैसे करना है इसके साथ, क्योंकि अलग से बन रही है वाइट के साथ बन रही है, तो यहाँ पे दो कलर आएंगे, यहाँ पे एक कलर ही चलेगा। तो इसको हम इस तरह से क्रॉस करेंगे, देखिए इसको इस तरह से क्रॉस करेंगे और फिर अपना दूसरे कलर से बनाते हुए जाएंगे। जब हम वापस आएंगे तब भी इन्हें क्रॉस करना है, जब जाएंगे यहाँ से तब भी इन्हें क्रॉस करना है, तभी हमारा यहाँ से बटन पट्टी जो है अच्छे से जुड़ पाएगी। तो इस तरीके से आपने जो है इसे बनाना है। चार सिलाइयाँ बना लेती हूँ। अब देखिए फिर से आ जाइए दूसरी साइड में, बटन पट्टी के फंदे हैं तो इसे हम इस तरह से देखिए यहाँ पे इस तरह से क्रॉस करेंगे ऐसे। देखिए ये हमारे धागे क्रॉस हो चुके हैं। अब फिर इसे आगे लेके आएंगे और वाइट के साथ इसे इस तरह से बटन पट्टी को बना देंगे ऐसे। ये हो गया। अब फिर वापस से जाएंगे, बटन पट्टी को हमने वाइट से बनाना है, फिर से हमने धागा क्रॉस करना, धागा हमने हर बार जो है क्रॉस करते हुए जाना है, तभी हमारी बटन पट्टी जो है दूसरी साइड से जुड़ सकेगी। अगर हम धागा क्रॉस नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं बनेगा और बटन पट्टी हमारी जो है साथ में जुड़ेगी नहीं। इस तरह से देखिए यहाँ पे फिर धागा क्रॉस किया और इसको इस तरह से बना लिया। और इस सिलाई को बना लेती हूँ पूरा। अब देखिए चार सिलाइयाँ हमारी बन चुकी हैं। आप चाहें तो यहाँ पे भी डिज़ाइन को डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं बनाया है, मैंने प्लेन बनाया है। जैसे हमने यहाँ पे बनाया है, यहाँ से स्टार्ट किया, वैसे ही मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। अब देखिए हमने कैसे बनाना है। ये वाइट का लेंगे इस तरह से एक फंदा। अब इस धागे को डबल करके आगे लेते हुए ये जो बिना खींचने वाला धागा उसके साथ बुनेंगे और खींचने वाले को वैसे पीछे की तरफ खींच देंगे। फिर से हमने डबल इस तरह से लेना है। देखिए ये जो बिना खींचे हुआ धागा है इसके साथ हमने बनाना है ऐसे, और इसको खींच देंगे। फिर से डबल रहेंगे और दो फंदे बनाएंगे उल्टे, फिर इसे खींच देंगे। फिर से डबल बना लेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे ऐसे और इसको खींच देंगे। फिर से ऐसे लेंगे ऐसे। इसी तरीके से आपने दूसरे कलर से बनाना है जब सिलाई स्टार्ट करनी है। इसी तरीके से आपने इस वाइट से बनाना है जब आप सिलाई को स्टार्ट करेंगे। वाइट मतलब कि जब स्टार्ट करेंगे उसके बाद हमने तीन सिलाइयाँ बनानी है। चार चार सिलाइयों का जो है ये पट्टियाँ बना रही हूँ मैं इस तरह से। देखिए बहुत ही आसान डिज़ाइन है। इस तरह से देखिए अब इसको ऐसे ही बनाते हुए, जैसे मैंने आपको बताया कि बटन पट्टी को हमने अलग से बुनना है और क्रॉस करते हुए धागे को उसके साथ जोड़ते हुए जाना है दूसरी साइड का जो पोर्शन है। इस तरह से देखिए आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। आपने इसी तरीके से इसको भी 11 इंच तक बुनना है, जहाँ अपने बच्चे की लंबाई जो है उसके हिसाब से आप बुनिएगा। ये हो गया। और यहाँ पे ये वाला फंदा सीधा। अब देखिए ये वाला वाइट है और ये भी वाइट है, चाहे तो आप इसके साथ भी बुन सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से करिए ऐसे। ये जो हमारा ये वाला धागा है इसके साथ ही आप बटन पट्टी बना लीजिए। अब इस तरह से करते हुए हमने जो है 10-11 इंच के करीब इसे बुन लेना है। जब आर्म होल की कटिंग जब हम स्टार्ट करेंगे तो फिर मैं उसके बाद आपको फिर से मिलती हूँ, फिर बताती हूँ आर्म होल की कटिंग हमने कैसे करनी है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम आर्म होल की कटिंग जो है दूसरी साइड में कर रहे हैं,
वैसे ही आपने दूसरी साइड में भी करनी है। दोनों साइड की हमारी जो है आमूल की कटिंग बराबर से एक ही तरह से होगी। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे तीन फंदे घटाने हैं। तीन फंदे कैसे घटाएंगे, देखिए इस तरीके से, एक इसको ऊपर से उतार दिया, फिर दो इसको इसके ऊपर से उतार दिया, फिर तीन, तीन दो एक की कटिंग करनी है। तीन फंदे हमने यहाँ पे बंद कर दिए, देखिए इस तरह से, और बाकी सिलाई हम पूरी उसी तरीके से बुनेंगे। अब दूसरी साइड गला भी हमने जो है वो भी हमने बनाना है। गला कैसे बनाएंगे, बी गला है वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ा सा इसमें जो है ये पूरे फंदे लास्ट तक बुन लेती हूँ। अब देखिए यहाँ आ जाइए सीधी साइड। सीधी साइड में देखिए एक मैं यहाँ पे बटन होल बना रही हूँ। बटन होल मैंने यहाँ पे भी बनाया है देखिए, और यहाँ पे बनाया है दो, और ये तीन, और ये चार। लेकिन मैं यहाँ पे जब हम गला स्टार्ट करते हैं घटाई गले की, तब भी हमने यहाँ पे बटन होल बनाना है। लेकिन गले की घटाई कब स्टार्ट करेंगे, तीन दो फिर एक, जब हमारा एक फंदा यहाँ पे घटेगा तब हम गले की घटाई स्टार्ट करेंगे। देखिए अब हम दो फंदे यहाँ पे घटाएंगे, आर्म होल की कटिंग है, दो फंदे घटाएंगे, देखिए एक दो, दो फंदे घटाने के बाद फिर पूरी सिलाई को हम अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बुनेंगे, और फिर इसके बाद एक फंदा जब हम घटाएंगे यहाँ पे फिर गले की कटिंग स्टार्ट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमने जो है तीन दो एक की कटिंग की है, तीन दो फिर एक। अब हम यहाँ पे जब आएंगे तब हमने यहाँ पे गले की कटिंग जो है स्टार्ट करनी है, मतलब कि हमने गला बनाना है। पहले बटन पट्टी के फंदे बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं एक जो है बटन होल बनाऊंगी। वैसे तो नज़दीक आ जाएगा ये बटन, लेकिन हमने यहाँ पे बटन जरूर बनाना है ताकि गले को जो है ज़्यादा खुला नहीं लगे गला। इस तरह से ऐसे ऐसे ये जो जाली बन रही है यहाँ पे बटन होल हमारा आ जाएगा इस तरह से। अब देखिए हमने एक फंदा इस तरह से बनाना है, ऐसे उतारेंगे और इसको उतारेंगे, दोनों को इकट्ठा बुन देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, हमारे गले की जो है गला बनना स्टार्ट हो जाएगा, गले की कटिंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि दो फंदे का एक फंदा हमने कर लिया, फिर बाकी जो आपका डिज़ाइन है उसी तरीके से आप चलाइएगा, और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी आएगी। फिर जब हम सीधी साइड में आएंगे फिर से यहाँ से दो का एक करना है। ये बटन पट्टी के फंदे तो एज इट इज चलते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे दो का एक हमने करना है। 18 या 20 फंदे रहने तक जो है हमने इसे बुनना है। और दूसरी साइड क्या होगा, हमारे आर्म होल की कटिंग भी जो है पूरी हो जाएगी। 5 साढ़े 5 इंच के करीब मैंने जो है इसकी लंबाई बनाई है आर्म होल की। तो इस तरह से मैं पूरा कर लेती हूँ, फिर इसके बाद आपसे फिर से मिलती हूँ। आपने यही बात जो है रिपीट करते हुए जाना, जहाँ पे दो का एक करते हुए जाना है। सीधी साइड में जब आप आएंगे तो यहाँ से हमारी जो है तीन दो एक की कटिंग तो कंप्लीट हो चुकी है, इसके बाद हमारा सीधा बनेगा। यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, लेकिन यहाँ से हमने एक एक फंदा घटाते हुए जाना है। 18 या 20 फंदे रहने तक हमने इसको घटाना है। उसके बाद जब आपके फंदे जो है यहाँ पे 18 या 20 रह जाएंगे, उसके बाद अगर आपकी आमूल की कटिंग कंप्लीट होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती तो उसके बाद हम सीधा बुनेंगे, लेकिन यहाँ से घटाएंगे नहीं। अब देखिए फ्रेंड्स ये हमारे दोनों जो हिस्से हैं फ्रंट साइड के वो बन के रेडी हो चुके हैं। ये देखिए आपने बिल्कुल इसी तरीके से इसे बनाना है। देखिए यहाँ से जो है मैंने थोड़ा सा ऊंचा जो है इसका गला जो है ऊपर की ओर रखा है, मतलब कि ज़्यादा डीप नहीं बनाया है, क्योंकि बच्चे का स्वेटर है, ज़्यादा डीप जो है अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ से तीन दो एक की जब कटिंग करेंगे, जब एक फंदा यहाँ पे घटाएंगे तब हमने यहाँ से गले की कटिंग जो है स्टार्ट की है। एक एक फंदा हमने हर सीधी सिलाई में घटाया है। जब हम उल्टी सिलाई में आएंगे तो हम नॉर्मली उल्टी सिलाई बुनेंगे, जब सीधी सिलाई वापस से आएंगे तब यहाँ पे एक दो का एक करते हुए जाएंगे। मतलब कि हमने
ये देखिए ना मैंने 18 फंदे रखे हैं ना मैंने 20 फंदे रखे हैं, मैंने रखे हैं 16 फंदे क्योंकि छोटे बच्चे का स्वेटर है। 16 फंदे रखे हैं। जब हम यहाँ पे जो है इनको जोड़ के यहाँ पे जो है बॉर्डर बनाएंगे कंधे के ऊपर, तो हमारा जो है देखिए आप देख सकते हैं इतना जो है इसकी चौड़ाई हो जाएगी, लगभग इतनी चौड़ाई हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि गले की पट्टी भी है और 16 फंदे ये हैं और यहाँ तक जो है 1 इंच के करीब जो है यहाँ तक 8 या 10 सिलाइयां, मैं 8 सिलाइयां यहाँ पे भी बनाऊंगी। तो मैंने सोचा इतना बहुत है तो इतना ही मैं बना करके रेडी करूंगी इसे। तो इस तरीके से आपने ये वाला हिस्सा भी ऐसे ही बनाना है, सेम जैसे आपने एक हिस्सा बनाना है सेम वैसे ही दूसरा हिस्सा बनाना है। तो इस तरीके से हमारे जो है ये दोनों पार्ट्स बन के रेडी हुए हैं। और बैक साइड का मैंने आपको दिखाया था पहले भी, वो मैंने बना लिया है इस तरीके से। देखिए यहाँ पे ये सीधी साइड है और ये उल्टी है। अब हमने इसको जो है इन्हें जोड़ना है, देखिए इस तरीके से हम जोड़ेंगे इसे, ऐसे आएगा ये, और तीसरी सिलाई के साथ मैं इसे जोड़ूंगी। गले की पट्टी के जो फंदे हैं उनको हमने जोड़ना नहीं है क्योंकि गला बैक साइड का बनाना है अभी। तो ये जो फ्रंट साइड का और बैक साइड के 16 16 फंदे जो हैं उन्हें हमने इस तरीके से बंद करना। देखिए एक फंदा हम यहाँ से लेंगे, तीसरी सिलाई लेंगे ये वाली, और एक फंदा हम देखिए एक फंदा यहाँ से लेंगे और एक फंदा दूसरी सिलाई में से लेंगे, दोनों को इकट्ठा बुनेंगे। सिलाई के साथ मैं बंद कर रही हूँ आज। देखिए एक फिर यहाँ से लेंगे और एक यहाँ से लेंगे, दोनों को इकट्ठा बुनने के बाद जो बुना हुआ फंदा है पीछे वाला उसको इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। फिर यहाँ से एक फंदा लेंगे और एक यहाँ से लेंगे, दोनों को इकट्ठा बुनेंगे और जो बनाया हुआ फंदा है पहले का उसको इसके ऊपर से उतार देंगे। इस तरीके से हमने जो है इन 16 16 फंदों को बंद करना है। दूसरी साइड भी आपने उसी तरीके से करनी है। जो बीच वाले फंदे हैं वो गले के रह जाएंगे, वो मैं बताऊंगी आपको गला हमने कैसे बनाना है, क्योंकि हमने जो है अलग से पट्टी बना के नहीं बनाना है, गला साथ ही साथ उसे ज्वाइंट करते हुए जाएंगे और गला हम बनाते हुए जाएंगे। इस तरह से देखिए ये हमारे कंधे जो हैं ज्वाइंट हो रहे हैं। ऐसे फिर 2 फंदे अगले बुनेंगे, इसको इसके ऊपर से उतार देंगे, फिर अगले 2 फंदे बुनेंगे, इसको इसके ऊपर से उतार देंगे। ऐसे ही करते हुए हमने 16 16 फंदे हमारे आएंगे, वो हमने वाइंड ऑफ करने हैं, मतलब कि ज्वाइंट कर देना है अपना एक साइड का कंधा जो है। आप इसे सुई के साथ भी बंद कर सकते हैं, आप इसे इस तरह से जैसे मैं सिलाई के साथ कर रही हूँ उस तरीके से भी आप इसे बंद कर सकते हैं। देखिए अभी हमने जो है गले की जो बॉर्डर पट्टी है वो हमने फंदे छोड़ने हैं, 2 4 6 एक फंदा हमारा और बचा है, तो उसे भी हम इस तरीके से बंद कर देंगे। देखिए ये हो गया, ये आ गया हमारा इस साइड में। अब ये जो बटन पट्टी के फंदे हमारे जो है बचे हैं इन्हें कैसे बनाना है वो मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले दूसरा जो ये वाला कंधा है वो भी इसके साथ जो है पहले ज्वाइंट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो है इस जैकेट के जो है देखिए कंधे जोड़ लिए, और यहाँ पे हमारे पास बचे हैं 6 6 फंदे जो है जो हमने यहाँ पे बटन पट्टी के लिए हैं। देखिए 2 4 और 6, और ये बाकी बचे हुए फंदे पीछे वाले गले के हैं। अब पीछे वाला गला भी हम साथ साथ बुनेंगे और इन फंदों को भी बंद करते हुए जाएंगे। कैसे करेंगे वो आप ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ से हमने ये देखिए ये वाला हमारा धागा जो है यहाँ पे था। अब हम पहले तो टोटल फंदे देखेंगे हमारे पास फंदे कितने हैं, 6 फंदे यहाँ पे छोड़ के बटन पट्टी के, 6 फंदे यहाँ पे छोड़ के। तो यहाँ पे देखते हैं फंदे हमारे पास कितने हैं। देखिए 2 4 6 जो तो बटन पट्टी के हो गए,
अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और यहाँ पे 17। हमारे पास 34 फंदे हैं, तो ये हमारे 6 फंदे बटन पट्टी के हैं, 34 फंदे हैं। हमने बीच में सेंटर इसका बनाना है, इसमें से हम 25 या 26 फंदे जो हैं पीछे वाले गले के रखेंगे, तो बाकी फंदे हमने घटाने हैं। कैसे घटाने हैं? साथ साथ हम बुनते जाएंगे, साथ साथ हम इसे घटाते हो जाएंगे। लेकिन सॉरी, सबसे पहले हमने सेंटर निकालना है। 34 फंदे हैं हमारे पास, तो 17 फंदे हमारे पास यहाँ पे रहेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 17। यहाँ पे ये जो है सेंटर आ गया हमारे पास, 17 फंदे यहाँ पे, 17 यहाँ पे। अब इन दो फंदों को, एक फंदा हम इस साइड से लेंगे इस तरह से, और एक फंदा हम इस साइड से लेंगे। ये तो हमने दो का एक करना ही है यहाँ पे। अब आपने देखना है जितने फंदे हमने यहां से घटाने हैं उतने ही हमने इस साइड से घटाने हैं। ऐसे नहीं कि यहां से 4 घटा लिए, यहां से 2 घटाए, यहां से 5 घटा लिए, यहां से 3 घटाए, ऐसे नहीं करना है। क्योंकि हमारा, अगर हम इस तरह से घटाएंगे तो हमारा गला जो है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी गोलाई नहीं बनेगी इसमें। इसलिए मैं कह रही हूं कि यहां से जितने फंदे आपने घटाने हैं उतने ही आपने यहां से घटाने हैं। तो कैसे घटाएंगे? देखिए 26 फंदे या 25 फंदे हम रखेंगे, 34 में से हमने, अब देखिए 34 में से हमने फंदे घटाने हैं। कितने घटाने हैं? अगर हम 26 फंदे रखते हैं तो हमारे पास 8 फंदे कम होंगे, अगर हम 27 फंदे रखते हैं तो हमारे पास 7 फंदे कम होंगे। देखिए अपने हिसाब से जो है थोड़ा सा इसे बना लीजिए इस तरीके से। देखिए यहाँ पे पहले तो हम जो बॉर्डर बुनते आए हैं उसे हमने इस तरह से बुनना है। छह फंदे बॉर्डर की हैं, इस तरह से बुन लिया। अब धागे को बैक साइड करेंगे, ये जो फंदा है इसको हम इस तरह से, देखिए लास्ट वाला फंदा हम बुनेंगे नहीं, यहाँ पे हमने इसको इसके साथ लेते हुए बुनना है। देखिए इस तरीके से ये हो गया। अब हम यहीं से जाएंगे वापस, एक फंदा हमारा कम हो गया यहाँ पे, फिर हमने ये वाला फंदा सीधा बुना, उल्टा, बॉर्डर के फंदे हमने 6 के 6 ही रखने हैं इस तरह से। फिर वापस से इधर आ जाइए, एक सीधा बुना, एक उल्टा, आप देखिए यहाँ पे जो है ये वाला फंदा हम बुनेंगे नहीं। अब यहाँ पे देखिए दो फंदों को हम इकट्ठा घटाएंगे इस तरह से, दो फंदों को इकट्ठा ले लिया इस तरह से, फिर यहाँ से वापस जाएंगे ऐसे, यहाँ पे हमारा एक फंदा कम हो गया, बाकी तो हमने इसको साथ जोड़ते हुए जाना है इस तरीके से। देखिए ये 6 फंदे बटन पट्टी के, आपने ध्यान से बराबर बराबर से घटा लेना है। यहाँ पे आपको सेट लगे कि हमारा यहाँ पे सेट आ रहा है। देखिए हमने एक फंदा घटा लिया, अब इसके बाद अगला फंदा नहीं घटाएंगे, उसे ऐसे ही ज्वाइंट करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट टाइम ज्वाइंट किया वैसे ही हम इसे ज्वाइंट करेंगे। ये हो गया, अब इसे इसके साथ लेके बुन देंगे। इस तरह से हमारा जो है बॉर्डर भी बनता जाएगा और साथ में यहाँ से फंदे भी जुड़ते हुए जाएंगे। इस तरीके से हमने जो है इसे बनाना है। देखिए एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे।
बुनने आपने छह फंदे ही हैं, लेकिन जो गले के बैक साइड के फंदे रखे हैं उन्हें भी हमने साथ लेते हुए जी ही चलना है। देखिए आप देख रहे हैं यहां से जुड़ता हुआ हमारा जहां पे जा रहा है बॉर्डर। देखिए फिर यहाँ पे ये उल्टा है फंदा, तो इसे उल्टा बुनेंगे। फिर यहां से वापस जाएंगे इस तरह से, इसे उतारा और छह फंदों को जैसे आप बॉर्डर बना रहे हैं वैसे बुन लीजिए इस तरह से। फिर यहां से वापस जाएंगे इस तरीके से और फिर यहां पे पांच फंदे बुनेंगे। छठे फंदे के साथ हमने उसे ज्वाइंट करना है इस तरीके से। देखिए फिर यहां पे देखिए फिर से हम दो फंदे लेंगे, यहां से दो फंदे लेंगे और तीन का एक बना देंगे। एक फंदा तो हमारा बॉर्डर का है, दो फंदे हम यहां से लेंगे। तो हमारे यहां पे देखिए दो हमने यहां पे घटाए, दो हमने यहां पे घटाए। तो इसके बाद हम फिर से यहां से वापस जाएंगे। तो इस तरीके से आपने यहां तक आ जाना है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारे सारे फंदे जो हैं जहां तक जो है कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखिए यहां से हमने शुरू किया था, यहां पर आके हमारा जो है यहां पे खत्म हो गया। यहां से शुरू किया और यहां पे खत्म। अब हमने इस तरह से घुमाना है इन पट्टियों को इस तरह से, और तीसरी सिलाई देते हुए इनको हमने इस तरीके से बंद कर देना है। देखिए दो फंदों को बुनेंगे ऐसे, इसको इसके ऊपर से उतार देंगे, फिर दो बुनेंगे ऐसे उतार देंगे। इस तरीके से हमने इन सारे फंदों को बंद कर देना, मतलब कि छह फंदे हमारे पास दूसरी साइड है, छह फंदे हमारे पास दूसरी साइड है इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा जो है गला है इस तरीके से बन चुका है। देखिए अब देखिए फ्रेंड्स यहां पे हमने जो है फंदे बंद किए, छह फंदे हमारे इस बॉर्डर के, छह फंदे हमारे इस बॉर्डर के। तो यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया। अब आप देख सकते हैं कितना ही ब्यूटीफुल सा जो है ये गला हमारा बना है। इस तरह से आएगा ये ऐसे, इस तरह से देखिए। और आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी जैकेट जो है बनके रेडी हुई है। अब हमने इसमें जो है सबसे पहले यहां से जो है यहां पे हमने आर्म होल की कटिंग की है, यहां से लेके और दूसरी तरफ तक जहां तक हमने फंदे उठाने हैं। तो फंदे हम कैसे उठाएंगे, अब हम आर्म होल जो है आर्म होल के बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के बाद फिर हम इसकी सिलाई करेंगे और बटन वगैरह लगा के हमने इसको फिनिश कर देना है। अब यहाँ पे हमने दो जो है यहां से फंदे उठाने स्टार्ट करने हैं। देखिए इस तरीके से ऐसे ऐसे ऐसे, हर एक चेन में से एक फंदा उठाएंगे। अगर आपको कम लगे तो पहली सिलाई में आपने फंदों को पूरा कर लेना है। तो मैं यहां तक जो है फंदे उठा देती हूँ, फिर देखती हूँ कितने फंदे मैंने उठाए, फिर आपको बताती हूँ कैसे और कितने फंदे हमने उठाने हैं। उठाने तो आपने ऐसे ही है, देखिए यहां से इस तरीके से, लेकिन कितने फंदे उठाने हैं वो मैं आपको उठा के फिर उठाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स यहां से हम देखेंगे एक साइड से मेरे पास जो है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और ये सोलह,
16 दूना 32, 32 फंदे मेरे पास एक तरफ से मैंने उठाए हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं कितने हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30 फंदे मेरे पास यहाँ है। तो हमने बीच बीच में दो फंदे उठाने हैं, जैसे यहाँ पे जो है हमारा यहाँ पे ज्यादा गैप है, यहाँ से उठा लेते हैं, यहाँ से उठा लेंगे। इस तरह से हमने दो फंदे हमने यहाँ से उठाने हैं, लेकिन फर्स्ट जो रो है हमारी वो पूरी उल्टी बनेगी। तो जब हम यहां से उल्टी रो बनाएंगे तो यहां से हम जो है फंदा, जितने फंदे हमारे पास कम है उतने फंदे हम उठा लेंगे। तीस फंदे हैं तो 32 फंदे हमारे पास होने चाहिए। तो हमने इस तरह से यहां से एक फंदा उठा लेना है, यहां पे ज्यादा गैप होगा वहां से हम एक फंदा चाहे आप उठा लीजिए चाहे नया बना लीजिए। फर्स्ट रो जो है पूरी हमारी हमने उल्टी बनानी है। देखिए यहां पे ज्यादा गैप है तो इस फंदे को हम दो बार बुन लेंगे इस तरीके से। तो दो फंदे, एक फंदा हमारा यहाँ पे हो गया और एक फंदा हमारा रह गया है वो हम देखिए ये यहाँ पे ज्यादा गैप है तो यहां से हम फंदा उठा लेंगे इस तरीके से ऐसे। तो अब हमारे पास 32 फंदे दूसरी तरफ है, 32 फंदे दूसरी तरफ, 64 स्टिचेस जो है हमने एक तरफ के आर्म होल के उठाए हैं। तो इन 64 स्टिचेस को हमने बुनना है, जैसे आप बॉर्डर बना रहे हैं वैसे आप इसे बुन लीजिए। देखिए पूरी सिलाई को हम उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो है हम बॉर्डर का जो भी आप डिजाइन बना रहे हैं जब बनाना चाहते हैं यहाँ पे वो आप बना के इसे कंप्लीट कर लीजिए। 8 सिलाइयां जो है बहुत होंगी आर्म होल के बॉर्डर में, तो 8 सिलाइयां बना लेते हैं। इसी तरीके से आपने दूसरी साइड का जो है आर्म होल के फंदे उठाने हैं, फंदे उठा करके 8 या 10 सिलाइयां जितना आप चौड़ा बॉर्डर बना रहे हैं उतना बनाइए। देखिए ये हमारे इस तरह से हो गए हैं। अब हमारे पास 64 स्टिचेस होने चाहिए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और एक फंदा हमारा अभी भी कम है वो कहीं से हम यहाँ से उठा लेंगे, एक के दो बना लेंगे तो हमारे जो है 64 स्टिचेस हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने कोई फंदा उठाया नहीं, लगता है मुझे एक फंदा जो है, दो फंदे हमारे एक में गिने गए हैं। देखिए ध्यान से देखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और ये 32। तो हमारे 64 स्टिचेस ही हैं। यहां से जो है ये वाले दो जुड़े हुए थे तो हमने इनको एक गिन लिया था, तभी हमारे पास एक फंदा कम हो गया था, लेकिन जो पूरे 64 स्टिचेस हैं तो इन्हें हम इस तरीके से बुनेंगे। देखिए फर्स्ट फंदा जो है हमने ऐसे उतारना, दूसरा फंदा हम उल्टा बुनेंगे और बाकी हमने जो जैसा हमने बॉर्डर बनाया है उस तरीके से बुन के इसे कंप्लीट करेंगे। सेम टू सेम हमने दूसरी साइड का जो है ये वाला हिस्सा जो है यहाँ से भी हमने उतने ही फंदे उठाने हैं और वैसे ही बुन देना है। अब देखिए यहाँ पे जो है हमने बॉर्डर बना लिया है, 8 सिलाइयों का मैंने बॉर्डर बनाया। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 सिलाइयों का बॉर्डर बना करके यहाँ पे हमने इन सभी फंदों को एक एक करते हुए
वाइंड ऑफ करना है। वाइंड ऑफ कैसे करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे। देखिए इस तरह से एक फंदा उतारा और ये जो उल्टा है उसे उल्टे तरीके से बुनेंगे, ऐसे उल्टा बुना, इसे इसके ऊपर से निकाल दिया। फिर यहाँ पे जो सीधा फंदा है उसको हम बैक साइड से बुनते हुए इस तरह से इसको ऐसे निकाल देना। फिर आगे करेंगे, उल्टा फंदा बुनेंगे, इसको इस तरह से निकाल देंगे। फिर पीछे करेंगे, सीधा फंदा बुनेंगे, इसको इसके ऊपर से पलट देंगे। फिर आगे ऐसे थोड़ा सा आपने जो है उल्टा फंदा उल्टा बुन के हम बंद करेंगे और जो सीधा है उसे इस तरीके से सीधा बुनते हुए करेंगे बंद। तो सारे फंदों को हमने इस तरीके से बाइंड ऑफ करना है और अपना जो है ये आर्म होल का बॉर्डर जो बना है उसे इस तरह से बंद कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स लास्ट में है, हम इस तरह से सीधा बनाया धागे को अपनी तरफ करके उल्टा बनाया, इसको इसके ऊपर से ऐसे उतार दिया। तो यहाँ पे हमारे जो है ये आर्म होल जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने यहाँ से देखिए इस तरीके से इसको पकड़ के ऐसे निकाल देना है। अब आप देख सकते हैं आर्म होल की कटिंग जो है और आर्म होल का बॉर्डर हमारा कितना अच्छे से बना है। इसी तरीके से दूसरा हमने बना लिया है, देखिए दोनों बॉर्डर जो है इस तरह से बन गए हैं। अब इसकी सिलाई करेंगे, हम जैकेट की सिलाई करेंगे। सिलाई हम कैसे करेंगे, देखिए इस तरह से देखिए यहाँ पे ये जो उल्टी साइड है इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ तक जो है आर्म होल के जहाँ पे बॉर्डर हमारे ख़त्म होती हैं वहाँ तक हमने इसको सिलना है। देखिए इस तरह से मैं ऐसे सिलती हूँ, आप जिस तरीके से सिलाई करते हैं आप उस तरह से जो है इसे सिल के रेडी कर सकते हैं। देखिए एक फंदा मैं यहां से लेती हूँ, देखिए यहां से ऐसे और दूसरा यहां से, फिर एक यहां से। हमने जो है इसे अच्छी तरह से सिलना है, मतलब कि लाइन के साथ लाइन मिलाते हुए हमने इसकी सिलाई करनी है। ब्राउन के साथ ब्राउन मिलाना है और व्हाइट के साथ व्हाइट मिलाते हुए अगर हम सिलेंगे तो ज्यादा जो है अच्छा दिखेगा। देखिए इस तरह से लाइन के साथ हमने लाइन मिलाते हुए इस तरह से अच्छी तरह से इसको सिल देना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहां से मैंने इसको सिल दिया है, दोनों साइड से इसे आर्म होल तक सिलना है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। तो इसको मैंने सिल के कंप्लीट किया है। देखिए जो मैंने आपको बताया था कि मैंने 1 2 3 4 बटन लगाए हैं, आप कोई भी किसी भी तरीके के जो है किसी भी तरह से जो आपको पसंद हो बटन लगा सकते हैं, लेकिन मैंने जो है ये जो ट्रांसपेरेंट बटन होते हैं इस तरह के वो मैंने लगाए हैं, आप देख सकते हैं इस तरह के। तो मैंने इस तरह के बटन लगाए हैं, आप कोई भी लगा सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 बटन मैंने लगाए हैं। अगर आपको लगे कि गला जो है नीचे आ रहा है तो यहाँ पे जो मैंने बटन होल किया है और ये मैंने बटन भी एक लगा दिया है, आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि थोड़ा सा जो है बटन नज़दीक था इसलिए मैंने लगाया नहीं। तो आप इस तरह से इस बटन को लगा लीजिए तो आपका गला जो है यहाँ से छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये आर्म होल बने हैं हमारे, बहुत ही ब्यूटीफुल सी जैकेट जो है बनके रेडी हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद ज़रूर आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।